बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अजमत अली और आपको अपनी आज की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज रमज़ान का चौथा रोज़ा और हमारा एक प्रोग्राम है छोटा सा, बशुकत की एक वीडियो बनाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। यहां से नहर है हमारे करीब, उनकी मतलब स्पॉट आपको वहां जाके दिखाते हैं और मेरे साथ जा रहे हैं जीशान भाई। तो रेडी जीशान, चलें चलते हैं। और हमें वहां पे चाहिए एक मतलब ये ट्रे, ये साथ लेके जाएंगे हम, क्योंकि वहां पे बर्तनों की थोड़ी ज़रूरत है और ये मिसिंग था उनके मतलब उस वो गिनती में से। तो अब ये भी साथ लेके चलते हैं और हेल्प के लिए हमारे साथ जीशान है, और आज जीशान ही का दिन हमारे साथ गुजरने वाला है आपके साथ साथ। घर से जब निकले तो मौसम बहुत खुशगवार था और इस तरह से कोई उम्मीद नहीं थी कि कहीं बारिश वारिश हो सकती है। और जैसे आप ये देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर और बहुत ही खूबसूरत रास्ता था, बड़ा मज़ा आ रहा था मोटरबाइक चलाने का। यहाँ और पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की बात करें तो पूरी दुनिया में मशहूर है। आप ये देख सकते हैं जो व्यू मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है, उतना डीपली और उतनी वजाहत तो नहीं है इसमें, लेकिन ये कि जो देखने की चीज़ थी वो आपको ज़रूर नज़र आ रही होगी और बहुत ही दिलकश थी, मुझे बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रोड पर गुजरते हुए मुझे बड़ा मतलब एक दिलकश सा मंजर नज़र आया कि ट्राली पर बैठा हुआ एक मज़दूर जो है आदमी वो नारे लगा रहा है, और जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा सा जब मज़ीद करीब से गुजरे उसके तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो क्या हो सकता है। वो ये था कि ट्राली लोड करते हुए उस बेचारे ने जो ईंटें फेंकी ट्राली के ऊपर, उसकी वजह से उसकी बाजू की जो थकान थी वो दूर करने के लिए उसको रिलैक्स कर रहा था, उसके लिए वो बाजू को कभी किसी तरफ और कभी किसी तरफ मतलब उसको मूव कर रहा था। जैसे ही हमने बाईपास क्रॉस किया, सियालकोट बाईपास क्रॉस किया, हमें जो है वो बारिश मतलब बारिश से टकराव हो गया। हमसे थोड़ी देर पहले जस्ट बारिश होकर रुकी थी, और बारिश के मौसम में जो है वो राइड करना ख़ास तौर पे इस तरह के मौसम में बहुत ही दिलकश होता है। लेकिन रोड पे जो एक तो रिस्क होता है स्लिप होने का, और दूसरा जो छींटें उड़ती हैं पानी की रोड से मोटरसाइकिल की वजह से या साथ से गुजरने वाली गाड़ियों की वजह से, वो बस ना हो तो बस आप सोचें कि दिल चाहता है बंदा राइड पे चलते ही जाए। तो ये वाली लोकेशन थी दिशांत, पसंद आई जगह? जी बहुत अच्छी जगह, खरीदनी नहीं है। इस जगह पे प्रोग्राम था भाई शौकत की एक वीडियो कैप्चर करने का, लेकिन मौसम की वजह से जो है वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ है। सूरज जो है वो देखें आँख में चोली खेल रहा है, बादल काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं यहाँ पर और इस तरफ से बादल और आ भी रहे हैं, इस वजह से यहाँ से प्रोग्राम कैंसिल किया, और शायद वो इंडोर कहीं पे अपना प्रोग्राम बनाएंगे। तो अब जाके देखते हैं उनकी क्या प्रोग्राम। ये है भाई शौकत की बतखें, और हम पहुँच चुके हैं भाई शौकत के इस मकान पे, वो दुकान ने जो बनाई हुई है, और आज की रेसिपी का प्रोग्राम यहीं पे है, यहीं पे है। और देखते हैं उसका आगे मकसद क्या होगा, लेकिन ये कि फिलहाल यहाँ पे आप आते हैं, बाकी लोग भी तो साथ भी आपको मिलवाते हैं भाई शौकत, और साथ में उनके जो हेल्पर वो यहाँ पे पहुँच चुके। अस्सलाम वालेकुम रियान साहब, की हाल है? तुसी ये खुशखबरी उन्हें खुशखबरी एक सुनाई थी, दोबारा बोलियो जरा की कह रहे हो? मैं कह रहा पतला हो जाना ऊपर थले। क्या बात है, आज एक्सरसाइज हो रही है? नहीं है जी, एक्सरसाइज। रेसिपी भाई शौकत की जो है वो मुकम्मल हो गई है, और अब लगे हैं उसका जो इस्तेमाल है वो करने, लेकिन अब बहुत लेट पहुंचे हैं शुएब और जुनेद हमारे पास। क्या हाल है? ठीक हो? रोज़ा तो नहीं रखा हुआ? जी मेरा रोज़ा। माशाल्लाह। चलो रियान को भी रखवा दिया करो यार। नहीं वो नहीं रखता। रखवाया करो उसको भी, मैंने आज काफ़ी क्लास ली है, तो आपने भी सुबह तो थोड़ी थोड़ी करनी है उसकी, ताकि कोशिश करे वो। ठीक हो, मैंने बोला था उसे पर नहीं रखता। सही, ये मैं हूँ, ये हमारे दोस्त हैं भाई मुबारक जीशान, और हमारे स्मार्ट बॉय रेहान, स्मार्ट बॉय। और यहाँ हमारी हो रही है अफ्तारी, आज अफ्तारी से जो है वो लेट हो गए हैं घर से बाहर, और यहाँ पे तकसीम कर रहे थे भाई मुबारक, भाई शौकत ने जो रेसिपी बनाई थी उसकी,
अफ्तार के लिए। नेकियाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कमाई है लोगों को रोज़ा खुलवा के यहाँ पे, लेकिन अपना रोज़ा जो आज लेट और गाड़ी में बैठ के खो रहे। दसो की कह रहे भाई? मुबारक कह रहे, सॉरी भाई शौकत करेक्शन कर, दो मरतबा आपने भाई मुबारक कहा है। सही हो गया, बहुत शुक्रिया। मतलब कैसा गुजरा रोजा? अच्छा गुजरा। मुझे मिस तो नहीं किया इफ्तारी पे? बहुत मिस किया, आप थे नहीं। रोजा पूरा किया था कि दरमियान में छोड़ दिया? नहीं नहीं पूरा किया था एंड तक। हाँ जी। आप सुबह तो कह रहे थे मैंने रोजा रखना ही नहीं है। वो बस मैं कह रहा था, फिर मैंने कहा मिस्टर मैं भी घर ही नहीं था। कहाँ थे आप सारे? मैं भी दोस्त के घर गया था सारी। वाह आपके दोस्त बड़े अच्छे यार, मुझे भी इस तरह के दोस्त दिलवा दे। मुझे अभी तक किसी दोस्त ने मुझे इफ्तारी नहीं बुलाया। क्या मुझे भी एक दिलवा दे दोस्त। आप रोजे नहीं रखते तो आपने रोज के दोस्त के घर? मैं भी रोजे तो रखता, पूरी रखता नहीं। एक छोड़ा बस अभी तक। हुए कितने? चार। अभी कौन छोड़े? इंशाल्लाह सारे रखेंगे। तो फिर सुबह उठाने गया आपको, तो आपने कहना नहीं मैंने नहीं रखना? नहीं। अच्छा साहब आपका रोजा कैसा गुजरा? ऐसे ही गुजरा। मिस तो नहीं किया ना मुझे? मिस तो नहीं किया मुझे? नहीं नहीं स्क्वाड पूरा था। मिस मिस किया था कितना? इतना कितना? हाँ तो उसे बताया ना पेमाइश करी। एक टैब जितना? टैब जितना? टैब नहीं है। जब बंदा गेम में बिजी हो तो फिर यही हाल होता है यार। कोई बात नहीं, चले खैर है, हम बाद में बात करते हैं आपसे। रश हो गया वे बंदे, एनिमीज़ आ गए। एनिमीज़ा है डा, एनिमीज़ा। हाँ आसिम साहब। हाँ जी। आप कहाँ थे सारे दिन? आज मैं घर था। मुझे नजर नहीं आए आप। आपने यहाँ तो, अगर आप घर होते तो आपने आंखें बंद की होनी थी। तो यहाँ फिर अगर आप घर नहीं होंगे। अच्छा। सही हो, यानी मैं घर नहीं था तो मैं बाकी घर नहीं था। रोजा कैसा गुजरा? रोजा वैसे रोजा की तरह, बाकी रोजा कोई इसमें चेंज, कोई अलग चीज, कोई नई चीज? नई चीज हाँ, ये चौथा रोजा। वाह व्हाट एन इंफॉर्मेशन है, थैंक यू। अफ्तार तो मैंने गाड़ी में की और घर आके अब रिलैक्स हुए हैं, साथ में कर रहे हैं वीडियो एडिट और इंजॉय कर रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं चाय। और उम्मीद करते हैं आपको जो हमारी वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं वो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँचे। और दुआओं में प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी सहरी में, तब तक के लिए।